यस सर। तो इसमें हमने क्या देखा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा जो है वो किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कुछ एक स्लोगन यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो आप अगर इनको अच्छे से अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन अगर स्लोगन से बनता है तो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। ठीक है, तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मुझे खून दो, ये सुभाष चंद्र बोस हो गया। शहीद इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? शहीद भगत भगत सिंह। सिंह ने। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, जनमन अधिनायक जया है, देश बचाओ देश बनाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है। वंदे मातरम है, भारत छोड़ो। ठीक है, मारो फिरंगियों को, फिरंगी को, जय जवान जय किसान किसने वाह, बोला था? मंगल पांडे। क्लियर है सभी को ये वाला स्लाइड? यस सर, यस अगर सर। जय आप, जवान जय किसान सर, लाल बहादुर शास्त्री हाँ जी, सर। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला। कहा यस अधिक सर। का राजकुमार जन्म सिद्ध अधिक का। चेक कर लेना एक बार प्लीज। अब जहां से मिला है मैंने एज इट इज जो है वो लिख दिया है, कई बार हो सकता है टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, पूरन स्वराज है, कर मत दो, ये किसने बोला था? देश की पूजा है, राम की पूजा है। ठीक है, कश्मीर चलो, हे राम जय जगत। ठीक है, तो ये सारी चीजें ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट सभी ने। यस दिल्ली सर, चलो किसने बोला था? तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट जय हिंद, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आराम हराम है, सत्यमेव जयते। तो ये सारे आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच या फिर विच वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक बेसिस, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो भाषा के आधार पे गठित होने वाला जो फर्स्ट स्टेट है इंडिया की, विच इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, पहले हम करते थे 15 क्वेश्चन, अब मैंने थोड़ा सा अमाउंट आपके लिए बढ़ा दिया है, आपको वर्क जो है वो और ज्यादा दे दिया है, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, डन है सभी को? नेक्स्ट यस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द सर, फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब पॉलिटिकल से क्वेश्चन काफी आए हैं तो आप टॉपिक नोट कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको कब जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बनाया गया था, माना गया था, पॉलिटिकल वाले बताएंगे। जल्दी से बोलिए, कब जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल जो है वो राइट माना गया था?
वेरी गुड, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, द फंडामेंटल राइट, द सिक्स फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम है, अगेंस्ट है, ठीक है, एक्सप्लोटेशन है, कल्चर से रिलेटेड है, फ्रीडम और रिलीजन से रिलेटेड है, रेमेडीज से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास इनिशियली देर वाज सेवन फंडामेंटल राइट्स, बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज लेटर कन्वर्ट इनटू द लीगल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978. क्लियर है सभी को? यस सर. चलिए, when the office of the both president or vice president of India are vacant, who perform their function? जब भी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जो है वो रिक्त होते हैं, तो उनका कार्य जो है वो कौन करता है? इसके पॉलिटिकल भी जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर. तो ऑप्शन सभी का जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वाज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एनवी रमना. ओके, ये फोटो जो लगा है ये करंट चीफ जस्टिस है इंडिया के, कौन है? अच्छा, फर्स्ट बताइए, फर्स्ट कौन से थे 26 जनवरी 1950 को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरा लाल कन्हैया करके आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है, हीरा लाल जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे. उनके बाद मैंने यहाँ पे मेरचंद महाजन है और एक शास्त्री करके है, पतंजाल जो है वो शास्त्री है कोई, तो इनको भी आपने देख लेना है. सेकेंड नंबर के क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. क्लियर है इतना? अभी लास्ट की हम बात करते हैं, तो दीपक मिश्रा, उसके बाद रंजन गगोई थे. रंजन गगोई ने क्या किया था? राम मंदिर का जो था वो फैसला सुनाया था. आफ्टर दैट वो क्या हुए थे? रिटायर हो गए थे, ठीक है. आफ्टर दैट बोबड़े करके एक और आए 48th नंबर्स के, और 48th नंबर के अभी नथुलापति वेंकटेटा रमना जो थे उनको बनाया गया है 24 अप्रैल 2022 को. आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के ये जो है वो चीफ जस्टिस है रामनाथ कोविंद, जो है वो इनके कार्यकाल के क्या है? प्रेसिडेंट है. अभी रिसेंटली 2-4 दिन में नया प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलेगा, तो कुछ ही दिन में जो है 10-12 दिन में जो है वो नया प्रेसिडेंट भी आ जाएगा इंडिया का. तो ये इतना. हाँ जी, चीफ जस्टिस कौन है अभी? एन बी रमना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आपको विजिबल नहीं है तो. ओके सर, अब यहाँ पे जाके मैं दोबारा से करता हूँ कि जो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है ये वाला है, और चीफ जस्टिस जो मैंने बोला एन बी रमना वो ये है. अब ठीक है? यस सर. और कौन से नंबर के है ये भी पता होना चाहिए, 48th नंबर के. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. निम्नलिखित में से कौन या फिर भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया? जनपथ न्यू दिल्ली है, सरफदर जंग रोड है न्यू दिल्ली, अकबर रोड है न्यू दिल्ली, 7 रेस क्रॉस रोड है न्यू दिल्ली. तो मोनिका ठाकुर का बिल्कुल करेक्ट है.
बाकी स्टूडेंट का रॉन्ग आंसर है। दोबारा से सोचिए, दोबारा से आंसर दीजिए। जिन जिन्होंने बी बोला है वो रॉन्ग है, गलत है उनका आंसर। मधु राजपूत, वेरी गुड। चलिए चलिए आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। कविता ठाकुर इज वेरी गुड। वंदना का भी करेक्ट है, वेरी गुड। अभी देखिए 50 स्टूडेंट हो गए हैं, कमेंट जो है वो 10 स्टूडेंट के आ रहे हैं। कल से मैं नहीं लूंगा क्लास अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है तो, ठीक है। कल से मैं नहीं लूंगा क्लास अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप लोग आंसर नहीं देंगे, तो इतनी मेहनत करने का फायदा कुछ नहीं है। देखो रात को भी बहुत मेहनत लगती है इस पीपीटी को बनाने की, ऐसा नहीं है मेरे पास पहले से बनी है और मैं डायरेक्ट आपको बना देता हूँ। तो सारी टाइपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा करना, फिर आपकी क्लासेस लेना, तो लगभग 5 से 6 क्लासेस होती है दिन में और बाकी वर्क भी रहता है, तो आप जो है वो एटलीस्ट एक आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा इसमें मैंने लिखा भी है, लोक कल्याण मार्ग, क्या बोलते हैं इसको, लोक कल्याण मार्ग, इसको सेवन रेस क्रॉस रोड भी बोला जाता है, इज द ऑफिशियल एंड प्रिंसिपल वर्क प्लेस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर है सभी को? इसको कॉम्प्लेक्स ऑफ पंचवती भी बोला जाता है। क्लियर है इतना? यस और नो? यस सर। कविता रमन माइक ऑफ रखे अपना। रमन कविता माइक ऑफ रखे। मनुकोमा चलिए नेक्स्ट देखिए। इस तरह से द करेक्ट आंसर इज लोक कल्याण निवास, जिसको हमने क्या बोला, सेवन क्रॉस रोड भी बोला, सिंस 21st of September 2016 ऑनवर्ड द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पीएम इज कॉल्ड लोक कल्याण निवास। द प्लीज नोट दैट लोक कल्याण मार्ग आज फॉर्मली नॉन एज द रेस क्रॉस रोड भी इसको बोला जाता है। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस वन इज पंचावती। ये हमने पढ़ लिया। After that, Rajiv Gandhi was the first Prime Minister, which is situated at Lok Kalyan Marg in 1984. It was the President residence of Narendra Modi since 26th May of 2014. The place is spread over the 12 acres of land. ठीक है? Guest house यहाँ पे special security सारी चीजें जो है वो available है। चलिए आंसर दीजिए। फिर से पॉलिटिकल से क्वेश्चन आया है, लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जल्दी से बताइए। हंसराज। हंसराज लोकसभा के अध्यक्ष। बिरला।
जी सॉरी सर। ठीक है, हंसराज जो है वो विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में उपाध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जीडी बिरला। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्षों का जो निर्वाचन करता है वो कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है वो किया जाता है। निर्वाचन की जो तिथि है वो राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा के महासचिव जो है वो मेंबर्स को देता है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। मावलकर जी जो थे वो फर्स्ट पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अभी रिसेंटली कौन है? श्री ओम बिरला। उससे पहले कौन थी? श्रीमती सुमित्रा महाजन। श्रीमती मीरा कुमार जो थी वो क्या थी? पहली वुमेन वुमेन जो थी वो फर्स्ट थी। क्लियर है इतना? यस सर। और जो ओम बिरला है वो 17th नंबर के हैं। ठीक है, 17th नंबर है इनका। ओके, डन है? यस सर। यस सर। चलिए, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा का शीर्षक विवेक के मामले एक आत्मकथा है? मैटर्स ऑन डिक्रिएशन एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ आई के गुजराल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो कुछ एक रिसेंटली जो हमने देखनी है ऑटोबायोग्राफीज, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा किसने लिखी है और क्या है और कब लिखी है, यहाँ पे अवेलेबल है, आप नोट कर सकते हैं। मैंने मतलब रिसेंटली वाले यहाँ पे इंक्लूड की है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ले लिया सभी ने इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। इसके बाद कुछ और है, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट होती है तो आपने इसको देख लेना है। रंजन गोगोई ने भी लिखा है जस्टिस फॉर द जज। आज का होमवर्क, विश्व में प्रसिद्ध फसलें एवं उत्पादक प्रमुख खनिज देश उत्पादक, ठीक है, प्रमुख देशों या फिर स्थानों के भौगोलिक उपनाम, कर लेंगे इतना सभी? यस सर। कंगारुओं का देश, नील नदी की देश, ठीक है, चीन का शौक है, दुनिया की छत है, सफेद हाथियों का देश है, पीछे पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। और एल्यूमिनियम का फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है जिस तरह से, ठीक है, इसी तरह कॉफी के लिए ब्राजील जो है वो फेमस है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जूट के लिए भारत है, कॉफी के लिए ब्राजील है, गन्ने के लिए ब्राजील है, तंबाकू के लिए चीन है, चाय के लिए भारत, ठीक है, मक्का यूएसए, गेहूं चीन, चावल चीन। ठीक है, क्लियर है इतना? सर प्लीज स्क्रीन बैक आप पहले वाली क्लास की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इंडिया की बात करूंगा, ये तो वर्ल्ड का हो गया, वर्ल्ड लेवल पे बात हुई, अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, ठीक है, पेट्रोलियम, असम, डिबगोई सभी को पता है, लौह अयस्क है, कोयला है, तांबा है, हीरा है, सोना, चांदी, थोरियम, टिन, संगमरमर, ये सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर।
और कौन सा नगर जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो यमुना दिल्ली, यमुना आगरा, यमुना लुधियाना, सतलुज है, उज्जैन, शिप्रा, गुवाहाटी, ब्रह्मपुर, ठीक है, श्रीनगर, ताप्ती, हरिद्वार, गंगा, पटना गंगा, श्रीनगर, झेलम, तो इस तरह से हुगली, कोलकाता, सरयू नदी, अयोध्या, तो यह आपको पता होना चाहिए। डन है सभी को? पिछली क्लास के कब में मिलेंगे? पिछली क्लास जो मिस हो गई मेरी, दो तीन आपकी क्लासेस जो है वो अपडेट हो गई होंगी, और ये वाली क्लास जो है वो आज शाम को क्लास जो है वो अपडेट होगी, ठीक है? और लास्ट क्लास में की वीडियो कौन सा बैच है आपका? सर मैंने आज से ज्वाइन किया था, मैंने कल से कल तक डेमो ली थी, तो मैंने जीके की क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो आपको क्लासेस जो है वो आपको ड्राइव का लिंक मिला होगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी मिला है एक लिंक, तो जिसमें रिक्वेस्ट उसमें आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को यहीं डिस्कनेक्ट करूंगा, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। और हाँ जी बोलिए सर, जो आपने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना बताया था मैम, सर ये कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर्स के आई थिंक, चेक कर लेना एक बार। हाँ जी बोलिए सर, अगर जीके की बुक पढ़नी हो तो कौन से राइटर की पढ़नी है? देखो स्पेसिफाइड कोई भी बुक नहीं है।